मैं हूँ आपके अपने सदमे शुमाना और देखते हैं हमारा डेली टारो। तो देखते हैं जिस भी दिन आप ये देख रहे हैं तो उस दिन की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ये एक जनरल रीडिंग होती है और ये आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी, एक साल बाद, दो महीने बाद, तीन दिन बाद, एक घंटे बाद, जब भी चाहें आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं तीन कार्ड निकालूंगी आपके लिए और तीन कार्ड में से आप अपना कार्ड नंबर सेलेक्ट करके अपना आपका दिन कैसे रहने वाला है आप उसकी एनर्जीज देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने निकाला कार्ड नंबर वन। ये तो दिख गया मेरे ख्याल से, मुझे भी दिख गया था इसलिए मैं दोबारा कर रही हूँ, मुझे भी नहीं दिखना चाहिए एक्चुअली। कार्ड नंबर वन, देन कार्ड नंबर टू एंड देन कार्ड नंबर थ्री। ठीक है, हमने तीन कार्ड ले लिए और वन टू एंड थ्री। अभी तीन कार्ड है, कार्ड नंबर वन टू थ्री। आप वीडियो पॉज करके अपना कार्ड नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, वन टू एंड थ्री। ठीक है, चलिए अब हम पहले पढ़ते हैं कार्ड नंबर वन के बारे में। कार्ड नंबर वन जो आपका है ये आया है द सन का कार्ड। तो काफी ब्राइट रहने वाले हैं लीडरशिप क्वालिटीज, काफी आपकी जो है अपनी उस पे उफान पे होंगी, काफी गर्मी, गुस्सा भी आएगा। मुझे ऐसा लगता है अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, जिस भी दिन आप देख रहे हैं आपको अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, जबान को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आपके मुंह से कुछ अपशब्द किसी के लिए ना निकल जाए, कहीं कुछ जो है किसी के साथ लड़ाई वड़ाई ना हो जाए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पानी खूब पीजिएगा, हीट स्ट्रोक हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और अदरवाइज ठीक है, आप जीतेंगे जरूर क्योंकि ये है ही कार्ड, सन का कार्ड, तो सन आप पे जरूर मेहरबान रहेगा। अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आपने मॉर्निंग में ही देख लिया है ये कार्ड तो सूर्य को जल जरूर चढ़ाइएगा। दूसरा कार्ड हमारा आ रहा है, जिन्होंने कार्ड नंबर टू सेलेक्ट किया था उनके लिए कार्ड आया है द हर्मिट का कार्ड, यानी कि आप थोड़े से सुस्त रहने वाले हैं, हो सकता है कि शरीर में दर्द हो, बोन डेंसिटी का टेस्ट करा लीजिए, आंखों में दर्द हो सकता है और कहीं कहते हैं ना बहुत सुस्त रह सकते हैं, लेटे लेटे बैठे बैठे बहुत दूर के ख्याली पुलाव भी बना सकते हैं, सोच भी सकते हैं, अपने लोगों को अच्छी सलाह भी दे सकते हैं, काउंसलिंग भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपको भी अपने किसी सलाह लेने के लिए किसी के पास जाना पड़े, ये भी मुझे नजर आ रहा है। तो द हर्मिट का कार्ड है, काफी दूरदर्शिता से काम लेंगे, यानी कि दूर की सोच के फिर आप अपने काम करेंगे जो कि बहुत अच्छी बात है। और आज जो है शाम को आप तुलसी के पौधे में दिया जरूर जलाइएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, जो भी आपकी कठिनाइयां चैलेंजेस वो क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और आप सवाल हल हो जाएंगे। तीसरा कार्ड हमारा आया है नाइट ऑफ वैंड्स। अरे बाबा, आज तो आपने खूब काम करना है, आज तो छोड़ेंगे नहीं भाई, मैंने जितना डिसाइड किया हुआ था ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप सारे के सारे काम जो है कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, वफादारी से करेंगे और एक्शन के साथ करेंगे। इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट काम है उनको जिस भी दिन आप वीडियो देख रहे हैं पूरे कर लीजिए। तो ये है आपकी डेली कार्ड रीडिंग और इससे आपको अगर बेनिफिट हुआ तो जरूर इसको लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। और इसका प्लेलिस्ट है पूरा, आप उनमें से कोई भी अपना वीडियो क्लिक करके आप देख सकते हैं, आपको गाइडेंस मिलेगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट भी जरूर करिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाती रहूं और आप उनको देखते रहें और एंजॉय करते रहें। और अभी के लिए मुझे आगे दीजिए, थैंक यू सो मच।